ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे वाटर स्ट्रेट्स, जल संधियां, कौन सा भाग किसको अलग करता है, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनकी कुछ जो खासियत है, इसके लिए आप थोड़ा सा बना भी बातें नहीं भी। अफ्रीका, देखो भावनाओं को समझना है, जैसा मैं बनाऊं थोड़ा बहुत बना लेना, तो बिल्कुल चित्रकारी मत करने बैठ जाना। पता ही अफ्रीका यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, ब्लैक कलर के हैं, पता ही हमें, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, यूरोप, यूरोप के साथ ये सारा क्या आ गया, ये अपना क्या आ गया, ठीक है। तो इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, इधर एशिया। अब इनको अपन पढ़ते हैं कंपैरिजन के अंदर, और इनमें जो स्ट्रेस वगैरह उन सब की अपन बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रेस है, क्या है, तो चले भी बच्चों शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब एशिया से सबसे पहले किस चीज की शुरुआत होती है, एशिया से शुरुआत होती है बच्चों धर्म, ठीक है। एशिया को बोला जाता है ऑल रिलीजियन प्लेस, सभी धर्मों का जन्म स्थान, किसे बोला जाता है, एशिया, हाँ भी, एशिया को क्या बोला जाता है बच्चों, सभी धर्मों का जन्म स्थल, ठीक है। सभी धर्मों का क्या बोला जाता है, जन्म स्थल, किसे बोला जाता है, एशिया। अब देखो क्या, अफ्रीका, अफ्रीका में यहां पर एक झील है विक्टोरिया, क्या नाम है झील का, विक्टोरिया, हाँ भी, अफ्रीका में झील का क्या नाम है, विक्टोरिया, शाबाश, ठीक है। धर्मों की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है, एशिया, देखो आप एशिया में देखो सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी, ठीक है। जबकि आप यूरोप में जाओ आपको मोस्टली एक ही धर्म मिलता है, कौन सा, क्रिश्चियन, ठीक है। साउथ सॉरी अफ्रीका में मोस्टली दो ही धर्म चलते हैं, या तो क्रिश्चियन चलता है या कौन सा धर्म चलता है, मुस्लिम या इस्लाम जिसको आप बोल देते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सा धर्म है, क्रिश्चियन। अपने यहां पर सभी धर्मों का क्या है, सम्मान किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक चीज का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, जैसे धर्मों का जन्म कहां पर माना जाता है, एशिया, वैसे कहा जाता है कि इंसान की उत्पत्ति सबसे पहले विक्टोरिया झील के पास हुई, ठीक है। ह्यूमन, इंसान, इंसान कहते हैं कि सबसे पहले कहां पैदा हुआ था, विक्टोरिया झील के पास, ठीक है। आई बात समझ में क्या, ठीक है। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इंसान सबसे पहले या इंसान के सबसे पहले अवशेष कहां पर पाए गए, कहां पर पाए गए बच्चों, विक्टोरिया, हाँ भी बोला करो, कहां पर पाए गए, विक्टोरिया, ठीक है। और सभी धर्मों का जन्म स्थल किसको माना जाता है, एशिया, किसे माना जाता है, एशिया, शाबाश, किसे माना जाता है, एशिया, याद रख लोगे, यहां तक किसी को कोई समस्या, याद हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, चलो अब देखो आगे। अब एशिया, एशिया शब्द कौन सी भाषा का बच्चों, कौन सी भाषा का है, हिब्रू, हिब्रू में क्या मतलब हुआ इसका, उगता सूरज, उगता सूरज, इसलिए उगते सूरज का देश किसको बोला जाता है, जापान, लगभग यहां पर टापू रूप में है जापान, ठीक है। तो उगते सूरज का देश किसको बोला जाता है, जापान। अब अफ्रीका को क्या बोला जाता है, अफ्रीका को बोला जाता है बच्चों ब्लैक कॉन्टिनेंट, काला महाद्वीप और ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। याद रखना बड़ा ही आसान है कि अफ्रीका के लोग क्या है, काले हैं, अफ्रीका के लोग काले हैं, तो ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट बच्चों, ब्लैक कॉन्टिनेंट, और ब्लैक कॉन्टिनेंट के साथ क्या बोला जाता है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। ब्लैक कॉन्टिनेंट और क्या बोला जाता है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ब्लैक और क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लाइंड, हाँ भी, ब्लैक और ब्लाइंड, शाबाश, याद रख लोगे, हाँ भी, यहां तक किसी को कोई समस्या, शाबाश। अब बात आती है दोनों महाद्वीप के एरिया की, क्षेत्रफल, या पंजाबी में जिसको आप क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्षेत्रफल बोला जाता है, और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, एरिया, याद करेंगे, करवा दूं, कहानी या सीधा ही, कहानी, ठीक है, कहानी देखो सीधी है, याद करने का तरीका ये,
40, 40 में से 10 घटाए 30, 30 में से 10 घटाए 20, 20 के पीछे क्या लगा दो 0, और 4 के आगे क्या लगा दो 4, ये इसका क्षेत्र। ठीक है, आप ज्यादा नहीं याद रख सकते तो बस इतना भी याद रख लेना, क्या 40, 30, 20, ठीक है, और उसके आगे क्या लग जाएगा 4, और 20 के पीछे क्या लग जाएगी 0, ठीक है। तो कितना क्षेत्रफल है 40, 30, 20, हाँ भी कितना क्षेत्रफल है 40, 30, 20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है 40, 30, 20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बच्चों कितना क्षेत्रफल है 40, 30, 20 स्क्वायर किलोमीटर, बोला करो कितना क्षेत्रफल है 40, 30, 20 स्क्वायर किलोमीटर। शाबाश, कोई समस्या? अब देखो इसी तरह से आप ऐसे अफ्रीका का क्षेत्रफल है 30 37, कितना बच्चों 30 37। अब टोटल कितने शब्द हैं 4, कितने शब्द हैं 4, 30 37, पीछे जीरो भी कितनी लगा दो 4, ठीक है 30 37 याद रख लो, ठीक है। हाय बच्चों कितना क्षेत्रफल है 30 37 और पीछे जीरो भी कितनी लगा दो 4, हाँ भी कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या? ठीक है चले आगे। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया का नंबर वन यानी कि कॉन्टिनेंट कौन है एशिया, और नंबर टू कौन है अफ्रीका, नंबर टू है अफ्रीका, नंबर वन है एशिया, नंबर टू है अफ्रीका, ठीक है। 30 37 0 0 0 यानी कि जितनी उसमें 30 सेंटी में वर्ड है पीछे उतनी क्या आगे 4 0, ठीक है भाई। इधर कैसे याद करेंगे 40 30 20 फिर 0 आगे 4, कोई समस्या नहीं, हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया, दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा अफ्रीका, ठीक है। ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका, मानव की सबसे पहले उत्पत्ति विक्टोरिया, शाबाश आगे चले, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, एशिया, तो एशिया पूरी दुनिया का, एशिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट बनता है 30.6%, 30.6 नहीं याद रहता तो अप्रोक्सीमेट याद कर लो कितना 30, देखो इसका सेंटर कितना है 30, एवरेज कितनी है 30, तो बस एशिया पूरी दुनिया का लगभग कितने परसेंट है 30%। हाँ बच्चों याद रख लोगे, शाबाश, एशिया पूरी दुनिया कितना परसेंट है 30%, और अफ्रीका पूरी दुनिया का कितना परसेंट है 20%, एशिया 30% अफ्रीका 20%, वैसे इसे कितना बोला जाता है 30.6, ना याद रहे तो एक आइडिया ले लेना कितना 30%, और ये कितना है 20%, कोई समस्या याद रखिए, ठीक है समझ में आ गया, चले आगे, शाबाश। अब आगे चलते, अब हम बात करते हैं बच्चों पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो जनसंख्या में हमने ये तो याद करना ही, और इसकी जरूरत भी नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे में भारत, और अगर ऐसी निरंतर तरक्की रही तो बहुत जल्द कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने यहां पर पढ़ना क्या कि पूरी दुनिया के मुकाबले हमारे महाद्वीप में, हमारे कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया से कंपैरिजन करें एशिया में रहती है 7%, 60%, और अफ्रीका में रहती है बच्चों 12%, ठीक है। और भारत वालों का तो देखो कहना ही क्या है, कहना ही क्या है, हमने हमेशा से ही इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ठीक है, तो आप सभी को पता ही है, समझदार हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में जितने देशों की आबादी होगी शायद उतने हमारे यहां पर उतने स्टेट्स की आबादी, ठीक है। अब आप ये देखो कि लगभग कितने गुना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, 5, 12, 5, 7, 12, 5, 7, 7, यानी कि हम 5 गुना ज्यादा महंगी हैं उससे, मैं तो ये मान के चलता हूं, ठीक है ना, 12, 5, 7। अब आगे चलते हैं, यहां तक कोई समस्या क्या, उनकी 12% है और हमारी 7, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बच्चों, हाँ भी किसकी है, नाइजीरिया, शाबाश नाइजीरिया, लगभग यहां पर छोटा सा देश नाइजीरिया, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है बच्चों, नाइजीरिया, और एशिया का हमें मालूम है पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, चलते हैं, अब इसके बाद बात आती है बच्चों किसकी,
डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है भी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। कईयों के तो मुंह पर पहले ही मुस्कान आनी शुरू हो गई, मास्टर कोई ना कोई बात सुनाएगा, ठीक है ना भाई, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी। तो एशिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी है बच्चों सिंगापुर, याद रखना ये एशिया में भी सबसे ज्यादा और दुनिया में भी सबसे ज्यादा, सिंगापुर एशिया में भी सबसे ज्यादा है और दुनिया में भी सबसे ज्यादा, ठीक है, एशिया में भी सबसे ज्यादा और कहां सबसे ज्यादा है, दुनिया में, ठीक है याद रख लोगे। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी एशिया में कहां पर है, सिंगापुर, और सबसे ज्यादा शहरी आबादी भी कहां पर रहती है, सिंगापुर, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, सिंगापुर।